हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अभी भी कंफ्यूज रहते हो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के डिफरेंस के बारे में? क्या आप सोचते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम नॉर्मली लो वोल्टेज एंड करंट ही यूज़ करते हैं, जैसे 5 वोल्ट, 12 वोल्ट? क्या आपको लगता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉर्मली हाई फ्रिक्वेंसीज का यूज़ करते हैं एंड ओनली सेमी कंडक्टर ही यूज़ होता है, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, मॉसफेट, IGBT, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर? और इलेक्ट्रिकल में हम हाई वोल्टेज एंड हाई करंट का यूज़ करते हैं, जैसे 220 वोल्ट AC एंड अबव। इसमें लो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जैसे 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। एंड इसमें हम इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड ट्रांसफार्मर। तो इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर में 5 वोल्ट भी होते हैं, 12 वोल्ट भी होते हैं और 220 वोल्ट AC के होते हैं। इसमें रजिस्टर भी यूज़ होता है, कैपेसिटर भी यूज़ होता है, माइक्रो कंट्रोलर भी यूज़ होता है और अदर ICs भी यूज़ होते हैं। तो इन्वर्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रिकल है? कन्फ्यूज्ड हो? हम उस एंगल से सोचते ही नहीं जिस एंगल से प्रोफेशनल्स सोचते हैं। आइए हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डील करते हैं सिग्नल्स के साथ। सो सिग्नल्स क्या है? सिग्नल्स है एक ऐसी वेव फॉर्म जिसके करंट और वोल्टेज वेरिएशन हो रही है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वो डिवाइसेस हैं जो इस इंफॉर्मेशन को किसी भी स्टोरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसमिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्चुअल फॉर्म में। जैसे कि कैमरा। कैमरा क्या करता है? एक पिक्चर को कन्वर्ट करता है स्टोरेबल फॉर्म में। जो एक पिक्चर की इन्फॉर्मेशन है, उसके कलर इन्फॉर्मेशन है, उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, जैसे डिजिटल कैमरास में होता है। और जो LCD है वो उस डिजिटल फॉर्म को एक्सट्रैक्ट करती है एक्चुअल इन्फॉर्मेशन में, किस पार्ट पर क्या कलर है, उसकी क्या डेंसिटी है, वो सब इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है। जो हमारे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, जैसे मोबाइल फ़ोन, जो एक ऑडियो को कन्वर्ट करता है ट्रांसमिटेबल फॉर्म में और रिसीव्ड सिग्नल को कन्वर्ट करता है एक्चुअल फॉर्म में। ऐसे ही हमारा रेडियो है, फोटोकॉपियर है, मदरबोर्ड है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरी फॉर्म्स में, जैसे AC टू DC, DC टू AC, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एंड मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल टू हीट एक्सेट्रा। और ये पावर ट्रांसमिशन के लिए भी काम आते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन में जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर है वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होती है। ओवन में जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर है वो हीट वेव्स में कन्वर्ट होती है। मोटर्स में अगेन इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। जो जनरेटर्स हैं उसमें क्या होता है, हमारी जो मैकेनिकल पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट होती है। सोलर पैनल्स में जो फोटॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ऐसे ही हमारा एयर कंडीशनर, जूसर, कैटल एंड कूलर हैं जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स को अदर्स फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। अब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, वो था इन्वर्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। अब जो इन्वर्टर की लास्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, वो हमें पावर का बैकअप देता है। सो पहले वो पावर स्टोर करता है AC टू DC और जब ज़रूरत होती है तब वो उस DC को कन्वर्ट करता है AC में। तो उसकी एप्लीकेशन क्या है, जस्ट पावर कन्वर्शन। तो इसीलिए वो एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, चाहे उसमें हम माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, IGBT यूज़ होता है, बट उसकी एंड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही हम उसको डिफाइन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रिकल्स है। जब आप मॉल्स में जाते हो, जब लिखा होता है सेल ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, वहाँ पर आपको मिलता है लैपटॉप्स, कैमरास, ऐसे डिवाइसेस मिलते हैं। सेल ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, वहाँ पे आपको मिलता है जूसर, ओवन, कैटल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर। मुझे लगता है आपको अब तक इसका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो हमारा स्पीकर या माइक है वो क्या है? अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।